हाय गाइस, तो आज हम अपने सेकंड चैप्टर से शुरू करेंगे, किसके, यूनिट टू के सेकंड चैप्टर से। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो चैप्टर नंबर 6 है। क्या नाम है इसका? एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो अब इसे शुरू करते हैं हम। एनाटमी, ओके, एनाटमी होता क्या? सबसे पहले एनाटमी होता है कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को एनाटमी बोलते हैं। सो यू कैन वेरी इजीली सी द स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज एंड वेरिएशंस इन द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ लार्जर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अभी कह रहे हैं हम बाहर से मॉर्फोलॉजी से काफ़ी आसानी से फ़र्क निकाल सकते हैं किसके किस में, प्लांट्स और एनिमल्स में। सिमिलरली इफ यू वांट टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर्स, वन ऑल्सो फाइंड्स सेवरल सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिसिमिलैरिटीज। अभी कह रहे हैं अगर हमें इंटरनल स्ट्रक्चर देखना हो तो हम उसमें भी काफ़ी सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज को देख सकते हैं। ओके, दिस चैप्टर इंट्रोड्यूसेस यू टू द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दी हायर प्लांट्स। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इंटरनल स्ट्रक्चर और उनके फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स के, ठीक है। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? एनाटमी। तो पहले हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी फ्लावरिंग प्लांट्स की। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को पढ़ना। अब हम पढ़ रहे हैं उनके इंटरनल स्ट्रक्चर को, इसे बोलते हैं एनाटमी। उसके बाद द प्लांट्स हैव सेल्स एज द बेसिक यूनिट। सेल्स आर ऑर्गेनाइज इंटू टिश्यूज़ एंड इन टर्न टिश्यूज़ आर ऑर्गेनाइज इंटू ऑर्गन्स। तो हमें पता है सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यूज़ मिलकर बनाते हैं ऑर्गन्स। ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। द डिफरेंट ऑर्गन्स इन द प्लांट शो डिफरेंस इन द इंटरनल स्ट्रक्चर। विद द एंजियोस्पर्म, द मोनोकोट्स एंड द डाइकोट्स हैव ऑल्सो सीन टू बी एनाटॉमिकल डिफरेंट। कली डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑल्सो शो एडेप्टेशन टू डाइवर्स इन्वायरमेंट्स। अब आता है टिश्यू। अब टिश्यू क्या होता है? टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन। तो अब टिश्यू क्या है? एक ऐसी ग्रुप है सेल्स का जिनका कॉमन ओरिजिन यानी एक ही जगह से वो डिराइव्ड हो और उनका एक ही फंक्शन हो। अ प्लांट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज, ठीक है। जैसे टिश्यूज़ आर क्लासिफाइड इंटू टू मेन ग्रुप्स। अ प्लांट में दो टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, एक होते हैं मेरिस्टमैटिक, एक होते हैं परमानेंट। अब मेरिस्टमैटिक में क्या होता है? मेरिस्टमैटिक सेल्स होती हैं, यानी कि ऐसी सेल्स जो बार बार डिवाइड कर सकती हैं। परमानेंट टिश्यू में ऐसी टाइप की सेल्स नहीं होती जो परमानेंट डिवाइडली नहीं कर सकती है, मतलब ऐसी टाइप की सेल्स होंगी। अब आया मेरिस्टमैटिक टिश्यू। तो ग्रोथ इन प्लांट्स इज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। तो हम बेसिकली क्या बात कर रहे हैं? अब एक चीज़ ये रहमान जाएगी कि दो टाइप के हमारे टिश्यूज होते हैं, मेरिस्टमैटिक और परमानेंट। मेरिस्टमैटिक कौन सी? जिनमें ग्रोथ होती है, परमानेंट जिनमें फर्दर ग्रोथ नहीं होती है। किस बेसिस पे डिवाइडेड आए हैं? वेदर द सेल्स हैव बीन फॉर्म्ड आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग और नॉट। क्योंकि अगर डिवाइड हो रही है तो वो है मेरिस्टमैटिक, अगर नहीं हो रही तो वो परमानेंट है। उसके बाद मेरिस्टमैटिक टिश्यू की बात आई। मेरिस्टमैटिक टिश्यू पर क्या होते हैं? जिनमें ऑब्वियसली ग्रोथ होती रहती है, ठीक है। तो ग्रोथ इन प्लांट्स इज़ लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू द स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ द एक्टिव सेल डिवीजन कॉल द मेरिस्टेम्स। तो मेरिस्टेम्स एक ऐसे रीजन होते हैं प्लांट में जो जिनमें एक्टिवली सेल डिवाइड करती हैं। मेरिस्टोस वर्ड से बना मेरिस्टेम जिसका मतलब है डिवाइडेड। तो प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ मेरिस्टेम्स। द मेरिस्टेम विच ऑकर्स एट द टिप्स ऑफ द रूट्स एंड शूट्स उन्हें बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम कौन होंगे? जो टिप्स पे होंगे। उसके बाद रूट एपिकल मेरिस्टेम कौन से हैं? जो कि रूट की टिप पे होंगे। वाइल शूट एपिकल मेरिस्टेम होगा जो शूट की टिप पे होते हैं। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द लीव्स एंड द एलोंगेशन ऑफ स्टेम सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टेम कॉन्स्टिट्यूट द एक्सिलरी बड्स। तो क्या होता है जब क्या होता है मेरिस्टेम क्या होता है जब नई जैसे क्या बन रही है लीव्स बन रही है या फिर स्टेम बड़ी हो रही है लंबी हो रही है तो क्या होगा कुछ सेल्स होती हैं मेरिस्टेम की जो कि पीछे रह जाते हैं यानी कि जो डिवीजन नहीं कर पाती हैं वो क्या बना लेते हैं लेफ्ट आउट लेफ्ट बिहाइंड जो सेल्स होती हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम की वो मिलके क्या बना लेती हैं एक्सिलरी बर्ड। सच बर्ड्स आर प्रेजेंट इन द एक्सिल्स ऑफ द लीफ इसलिए एक्सिलरी बर्ड है एंड आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ब्रांच और द फ्लावर, ठीक है। अब एक्सिलरी बर्ड क्या करेगा वो क्या करेगा कहाँ पर प्रेजेंट होता है एक्सिल ऑफ लीफ में होता है क्योंकि वो एक्सिलरी है नाम से पता है एक्सिल में है यानी वो और कैपेबल है किसके वहाँ से ही मतलब एक्सिलरी जो बर्ड्स हैं वहाँ से क्या फॉर्मेशन होती है फ्लावर्स की या ब्रांचेस की। द मेरिस्टेम विच ऑकर्स बिटवीन द मैच्योर टिश्यू को बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। जो मैच्योर टिश्यू के बीच में है वो क्या है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। जैसे हम ग्रासेस हैं को काट देते हैं बीच की हाइट से काट देते हैं पर वो वापस रीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। हम जैसे सपोज ग्रास की लेंथ को काटते हैं जैसे ऊपर से हम टॉप को ट्रिम करते हैं ना
तो फिर पर वो फिर से वापस ग्रो हो जाता है, किस वजह से? इंटरकैलरी मेरिस्टेम, द दे ऑकर्स इन ग्रासेस एंड रीजनरेट पार्ट्स रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग हर्बीवर्स। जैसे हर्बीवर्स हैं वो भी रूट से कमी खाते हैं, उनको ऊपर से जैसे हम ट्रिम करते हैं मशीनों की हेल्प से, वैसे ही वो खाते हैं। सो बोथ एपिकल और इंटरकैलरी मिलके प्राइमरी मेरिस्टेम बनाते हैं। प्राइमरी का मतलब क्या है? यानी कि वो अपीयर करते हैं अर्ली इन लाइफ। प्राइमरी मतलब जो कि अपीयर हों अर्ली लाइफ में एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। ठीक है, उसके बाद है द मेरिस्टेम्स दैट ऑकर इन द मेच्योर रीजन्स ऑफ द रूट्स एंड शूट्स ऑफ द प्लांट, पर्टिकुलरली दोज प्रोड्यूस वुडी एक्सेस एंड अपीयर लेटर, जो बाद में अपीयर होते हैं प्राइमरी से, उन्हें बोल दिया हमने सेकेंडरी या फिर लेटरल मेरिस्टेम। तो द सिलेंड्रिकल मेरिस्टम, ठीक है, कहते हैं सिलेंड्रिकल। अब तीन उन्होंने लेटरल मेरिस्टम के एग्जांपल दिए हैं, लेटरल यानी सेकेंडरी मेरिस्टम जो कि बाद में अपीयर होते हैं लाइफ में। ठीक है, अब कौन से हैं वो? फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, ये आगे पढ़ेंगे हम एक्चुअली इनके बारे में डिटेल में, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम। ठीक है, इनके बारे में हमें बाद में पता चलेगा मेन क्या है ये। ठीक है, फेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम। ठीक है, फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटर वेस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी टिश्यू। फॉलोइंग डिवीजन ऑफ द सेल्स इन बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी मेरिस्टम्स, द न्यूली फॉर्म्ड सेल्स बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। ठीक है, इन्हें बोल दिया हमने परमानेंट और मेच्योर सेल्स। ऐसी सेल्स जो क्या करती हैं, डिवाइड करने की कैपेसिटी को लूज़ कर देती हैं। मैंने बताया था दो टाइप के थे, मेरिस्टमैटिक सेल्स और परमानेंट सेल्स। मेरिस्टमैटिक जो डिवाइड होती रहती हैं, पर कुछ सेल्स होते हैं जो कि क्या करती हैं, लूज़ कर देती हैं एबिलिटी को डिवाइड होने की, उन्हें बोल दिया परमानेंट सेल्स या फिर मेच्योर सेल्स। एंड कॉन्स्टिट्यूट द परमानेंट टिश्यूज़ के अंदर होती हैं ये। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी स्पेसिफिक रीजन ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम बिकम द डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड वैस्कुलर टिश्यू। ठीक है, अलग अलग चीज़ों के तीन टाइप के टिश्यूज़ होते हैं मेन एपिकल मेरिस्टेम की फॉर्मेशन पे, डर्मल, ग्राउंड और वैस्कुलर। तीनों याद रखने, क्या है? डर्मल, ग्राउंड, वैस्कुलर। अब ऊपर इन्होंने एक डायग्राम दिखा रखा है, देखो शूट एपिकल मेरिस्टेम का दिखाया है, ये रूट का है और ये शूट का है। रूट का हमने फिर भी देखा हुआ है लास्ट चैप्टर में, क्या था? ये थी रूट कैप, इनिशियल्स ऑफ कैप, ये एपिकल मेरिस्टेम था, ये डॉटेड सेल्स। फिर क्या, इनिशियल्स ऑफ सेंट्रल सेंट्रल सिलेंडर एंड कॉर्टेक्स, प्रोटोडर्म, कॉर्टेक्स दिखा रखा है, सेंट्रल सिलेंडर दिखा रखा है। यह शूट की बात, डिफरेंशिएटिंग वैस्कुलर कैम्बियम, वैस्कुलर टिश्यू, यह एक्सिलरी बड, शूट एपिकल मेरिस्टम, यह लीफ प्राइमोर्डिया, यहाँ से लीफ जनरेट होती है। आगे आया परमानेंट टिश्यू, यानी जो जिसकी एबिलिटी नहीं है डिवाइड होने, डू नॉट जनरली डिवाइड फर्दर। परमानेंट टिश्यू हैव ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ऐसे अब दो टाइप के कर दिए उन्होंने परमानेंट टिश्यू। देखो सबसे पहले क्या था, एक सेकंड मैं दिखाती हूँ, दो टाइप के टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, टिश्यूज़ दो टाइप के हैं, कौन से? एक है परमानेंट, एक है मेरिस्टमैटिक। ठीक है, मेरिस्टमैटिक जो डिवीजन कर सकता है, ये डिवाइड नहीं कर सकता फर्दर। परमानेंट को फर्दर दो में डिवाइड कर दिया, मेरिस्टमैटिक भी दो में एक्चुअली। चलो पहले परमानेंट देख लो, किस में डिवाइडेड है परमानेंट टिश्यू? एक तो है परमानेंट टिश्यू हमारा, परमानेंट टिश्यू देखो, पहले तो ये देख लो यार, फिर से टिश्यू को दो में डिवाइड किया है, परमानेंट और मेरिस्टमैटिक। परमानेंट क्या होते हैं? विच डू नॉट डिवाइड फर्दर। ठीक है, अब ये डिवाइड फर्दर कर सकते हैं, परमानेंट फिर से दो में डिवाइडेड है। डिवीजन प्लीज़ याद रखना क्या क्या है अच्छे से, किस में डिवाइडेड है? सिंपल, कॉम्प्लेक्स, नाम से पता चल रहा है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल मतलब जिसमें सारी सेल्स एक जैसी हैं, एक टाइप की हैं, कॉम्प्लेक्स जिसमें सेल्स एक टाइप की नहीं हैं, अलग अलग हैं फंक्शनल स्ट्रक्चरली। मेरिस्टमैटिक दो में डिवाइडेड था, किस में? फिर से देखो, मेरिस्टमैटिक क्या? जो कि डिवीजन की कैपेबिलिटी रखता है, दो में डिवाइडेड है, कौन? एक तो है हमारा प्राइमरी, एक है हमारा सेकेंडरी। सेकेंडरी जो लाइफ में बाद में अपीयर होता है, प्राइमरी जो पहले अपीयर होता है। आगे बढ़ते हैं हम, और क्या बोला इन्होंने? परमानेंट टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होगी सिंपल,
जिसमें परमानेंट टिश्यू जिसमें डिफरेंट टाइप्स की सेल हैं वो हो गया कॉम्प्लेक्स। पहले हम सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू, अ सिंपल टिश्यू इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। द वेरियस सिंपल टिश्यूज़ हैं प्लांट्स में कौन से, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा ऐसा है जो फॉर्म करता है मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ द ऑर्गन्स। द सेल्स जो हैं पैरेन्काइमा की आइसोडायमेट्रिक है, यानी सेम डायामीटर है उनका, ठीक है, सेम डायामीटर की हैं तो यानी आइसोडायमेट्रिक हैं। स्फेरिकल हो सकती हैं, ओवल हो सकती हैं, राउंड हो सकती हैं, पॉलीगोनल और इलोंगेटेड हो सकती हैं। देयर वॉल्स आर थिन एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज की बनी होती है इनकी वॉल्स, ठीक है, थिन है और किसकी बनी है, सेलुलोज की वॉल्स। दे मे बी ईदर क्लोजली पैक्ड और हैव स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस, तो इनके बीच में या तो स्पेसेस होंगी या फिर बहुत, मतलब या तो नहीं होंगी या फिर बहुत ही ज़्यादा कम होंगी। द पैरेन्काइमा परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस लाइक फोटोसिंथेसिस करता है, स्टोरेज करता है और सिक्रीशन करता है, कौन, पैरेन्काइमा। दूसरा टिश्यू आया कोलेनकाइमा, तो तीन टाइप के हैं, ठीक है, एक है पैरेन्काइमा सिंपल की बात करें, फिर है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या है, ओकर्स लेयर्स बिलो दी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बीच में होता है, हाइपोडर्मिस होता है एक्चुअली। हाइपोडर्मिस यानी किसकी बना होता है, वो कोलेनकाइमा इन डायकोटिल डॉन्स। इट इज़ अब या तो ये होमोजेनस पैचेस लेयर्स की फॉर्म में मिलता है या पैचेस की फॉर्म में। अब इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स विच आर मच थिकेंड एट द कॉर्नर्स पे, थिक हैं किस वजह से, वहाँ पे डिपोजिशन है किसका, सेलुलोज का, हेमी सेलुलोज का और पैक्टिन का। कोलेनकाइमेटस सेल्स जो हैं वो ओवल हैं, स्फेरिकल हैं और पॉलीगोनल हैं और ज़्यादातर उनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं। द सेल्स एसिमिलेट फूड व्हेन कंटेन क्लोरोप्लास्ट और इंटर सेलुलर स्पेसेस जो हैं वो उनमें नहीं होती। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं टू द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स सच एज द यंग स्टेम और पेटियोल ऑफ द लीफ को। तीसरा टाइप आया है स्क्लेरेनकाइमा, कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सेल्स विद थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल्स हैविंग फ्यू और न्यूमरस पिट्स। डेड होते हैं यूजली विदाउट प्रोटोप्लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ द वेरिएशन इन द फॉर्म स्ट्रक्चर ओरिजिन एंड अब किस के बेसिस पे वेरिएशन, ये देख लो, इन फॉर्म स्ट्रक्चर ओरिजिन और डेवलपमेंट। फॉर्म स्ट्रक्चर ओरिजिन डेवलपमेंट के बेसिस पे स्क्लेरेनकाइमा को मे बी इधर फाइबरस और स्क्लेराइड्स, ठीक है, या तो फाइबरस या स्क्लेराइड्स है। फाइबर्स जो हैं थिक वॉल्ड हैं, इलोंगेटेड पॉइंटेड एंड्स हैं, जर्नली ऑकरिंग इन द ग्रुप्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, फाइबर्स जो हैं कहाँ कैसे होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं और पॉइंटेड होते हैं और जर्नली ऑकर्स इन ग्रुप्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। स्क्लेरेट्स जो हैं वो स्फेरिकल हैं, ओवल हैं, सिलेंड्रिकल हैं, थिक एंड डेड सेल्स हैं विद वेरी नैरो ल्यूमन, ठीक है। इनमें क्या होता है, नैरो ल्यूमन यानी अंदर का जो एरिया है वो काफ़ी कम होता है कि इनमें स्क्लेरेट्स में। और दे आर कॉमनली फाउंड इन द फ्रूट जैसे वॉल ऑफ नट्स, पल्प ऑफ द फ्रूट्स लाइक गुआवा, पियर, सपोटा, लीव्स ऑफ लेग्यूमिनस लेग्यूम्स, लीव्स ऑफ ट्री। स्क्लेरेनकाइमा का फंक्शन क्या है, मेन प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन्स। डायग्राम दिखा रखा है इन्होंने, ये है पैरेन्काइमा जिसमें बहुत ही कम इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं या फिर ऑलमोस्ट है ही नहीं। ये दिखा रखा है हमें क्या, कोलेनकाइमा जिसकी जो कॉर्नर्स पे थिकेंड हैं, किस वजह से, हेमी सेलुलोज, सेलुलोज या पैक्टिन की डिपोजिशन की वजह से, थिकेंड कॉर्नर्स, प्रोटोप्लाज्म दिखा रखा है, वैक्यूल, सेल वॉल। उसके बाद ये दिखा रखा है स्क्लेरेनकाइमा दो टाइप के हैं क्या, फाइबर्स हैं स्क्लेरेट्स। फाइबर्स कैसे हैं, इलोंगेटेड थिक वॉल्ड हैं और ये क्या है, स्क्लेरेट जिसका ल्यूमेन का है, क्या है ल्यूमेन इसका, थिक। और क्या है, पिट पिट दिखा रखा है इन्होंने और थिक सेल वॉल दिखा रखा है, सॉरी इनका ल्यूमेन जो है नैरो है, देखो यहाँ पे नैरो ल्यूमेन, ठीक है। आ गया कॉम्प्लेक्स टिश्यू जिसमें डिफरेंट टाइप्स की सेल्स होती हैं, मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ सेल्स। दे वर्क दीज वर्क एज अ यूनिट, एग्जाम्पल जाइलम और फ्लोएम कंसिडर दी कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जाइलम क्या होता है, कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द स्टेम एंड द लीव्स, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द पार्ट्स। इट इज कम्पोज ऑफ फोर डिफरेंट काइंड्स के होता है, टी वी एफ पी, टैकेज, वेसल्स, जाइलम, फाइबर्स, पैरेन्काइमा। जिम्नोस्पर्म्स में क्या नहीं होता, वेसल्स नहीं होते। ट्रैकेट्स जो हैं इलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल्स है विद थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल्स, टेपरिंग एंड्स हैं।
डेड हैं विदाउट प्रोटोप्लास्ट। इनर लेयर्स जो हैं इनकी ऑफ द सेल वॉल हैव थिकनिंग्स विच में वेरी इन फॉर्म। उसके बाद फ्लावरिंग प्लांट्स में जो ट्रैकेड्स हैं और वेसल्स होते हैं वो मेन कंडक्टिंग ऑर्गन है। कौन? ट्रैकेड्स और वेसल्स। वेसल्स तो जिम्नोस्पर्म में होते ही नहीं है। वेसल्स इज लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स कॉल द वेसल मेम्बर्स ईच विद द लिग्निफाइड वॉल्स इन लार्ज सेंट्रल कैविटी। द वेसल सेल्स आर ऑल्सो डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी उनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। वेसल मेम्बर्स आर इंटरकनेक्टेड थ्रू द परफोरेशंस इन द कॉमन सेल वॉल। उसके बाद द प्रेजेंस ऑफ दी वेसल्स इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजियोस्पर्म। ज़ाइलम फाइबर्स जो हैं हैव थिकन वॉल एंड ऑब्लिट्रेटेड सेंट्रल ल्यूमेंस। दे मे बी द सेप्टेट और एसेप्टेट। ज़ाइलम पैरेन्काइमा के लिविंग थिन वॉल्ड एंड देयर सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। दे स्टोर फूड मटेरियल इन फॉर्म ऑफ स्टार्च फैट और अदर सब्सटेंसेस लाइक टैनिंस। ठीक है, तो पैरेन्काइमा क्या है, किस फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं? स्टार्च फैट या फिर टैनिंस की फॉर्म में। रेडियल कनेक्शन और वाटर होता है उनमें रे पैरेन्काइमेटस सेल की वजह से। उसके बाद आया प्राइमरी ज़ाइलम जो है टू टाइप का है, प्रोटो मेटा। प्रोटो यानी जो पहले बनता है, मेटा यानी जो बाद में बनता है। द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी ज़ाइलम जो है प्रोटो ज़ाइलम है, लेटर फॉर्म्ड है मेटा ज़ाइलम। स्टेम में जो प्रोटोज़ाइलम है वो क्या करता है, पिथ की तरफ लाया करता है सेंटर की तरफ, और मेटाज़ाइलम कॉर्नर की तरफ। इसलिए इसको एंडार्क बोलते हैं, क्योंकि जो प्रोटोज़ाइलम है वो अंदर की तरफ है, इसलिए एंडार्क। एंड इन यानी कि अंदर की तरफ। उसके बाद जो अगर पैटर्न अगर रूट्स की बात करें, रूट्स में क्या होता है, एग्जार्क होता है। उसमें जो प्रोटोज़ाइलम है वो पेरीफ्री की तरफ, बाहर की तरफ होता है। नेक्स्ट फाइबर आया, नेक्स्ट मतलब कॉम्प्लेक्स टिश्यू आया, उसका नाम है फिलोएम। तो फिलोएम क्या होता है, जो फिलोएम है मेन फंक्शन देखो ज़ाइलम का क्या था, मिनरल्स और वाटर के ट्रांसपोर्ट का। इसका है फंक्शन फूड मटेरियल के ट्रांसपोर्ट का, यूजली फ्रॉम दी लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। फिलोएम इन एंजियोस्पर्म कैसे बनाए, अब इसके पार्ट्स देखो, सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, पैरेन्काइमा और फाइबर्स। जिम्नोस्पर्म में एल्बुमिनस और सीव सेल्स होते हैं। किसकी जगह पे? कंपेनियन सेल्स की जगह पे एल्बुमिनस होते हैं, सीव ट्यूब्स की जगह सीव सेल्स होते हैं। दे लैक सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। सीव ट्यूब एलिमेंट्स क्या होते हैं? लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अरेंज लॉन्गिट्यूडनली एंड एसोसिएटेड विद दी कंपेनियन सेल्स। देयर एंड वॉज अ परफोरेटेड एंड वॉज सीव ट्यूब एलिमेंट्स की परफोरेटेड होती हैं सीव लाइक मैनर में टू फॉर्म सीव प्लेट्स। अ मैच्योर सीव एलिमेंट पोजेस अ पेरिफेरल साइटोप्लाज्म एंड लार्ज वैक्यूल बट लैक्स अ न्यूक्लियस। द फंक्शन ऑफ द सीव ट्यूब्स आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस एंड कंपेनियन सेल्स। द कंपेनियन सेल्स आर स्पेशलिस्ट पैरेन्काइमेटस सेल्स विच आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द सीव एलिमेंट्स। तो जब सीव जो ट्यूब्स हैं वो कंपेनियन सेल्स से क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि सीव ट्यूब्स जो हैं और कंपेनियन सेल्स आर कनेक्टेड बाय पिट फील्ड्स बिटवीन देम कॉमन लॉन्गिट्यूडनली बिटवीन द कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल। द कंपेनियन सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं प्रेशर ग्रेडिएंट सीव ट्यूब्स में, क्योंकि ना सीव ट्यूब जो होते हैं इनमें खुद का न्यूक्लियस नहीं होता, तो ये उसके न्यूक्लियस से काम करते हैं, इसलिए इन्हें सिस्टर सेल्स भी बोलते हैं। उसके बाद फिलोएम पैरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड टेपरिंग सिलेंड्रिकल सेल्स विच आर हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड हैज पिट्स इट थ्रू विच द प्लाज्मा डेंसमेटल कनेक्शंस एग्जिस्ट बिटवीन द सेल्स। द फिलोएम पैरेन्काइमा स्टोर करता है फूड मटेरियल एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक रेजिन लेटेक्स एंड म्यूसिलेज। फिलोएम पैरेन्काइमा जो है एब्सेंट है मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स में। पैरेन्काइमा कहाँ नहीं होता, मोनोकॉट्स में। फाइबर जो हैं बास्ट फाइबर्स भी बोलते हैं, मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स से बनते हैं। बास्ट फाइबर जो हैं कैसे बनते हैं, स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स से। दे आर जनरली एब्सेंट इन द प्राइमरी ज़ाइलम बट आर फाउंड इन द सेकेंडरी ज़ाइलम। ठीक है, बास्ट फाइबर्स या फ्लोएम फाइबर्स हैं, प्राइमरी ज़ाइलम में नहीं मिलते, कहाँ मिलते हैं, सेकेंडरी ज़ाइलम में, यानी जो बाद में बनता है फ्लोएम। आई मीन फ्लोएम की बात कर रही हूँ मैं। दे आर मच इलोंगेटेड एंड ब्रांच्ड एंड पॉइंटेड निडल लाइक अ पाइसिस। द सेल वॉल ऑफ द फ्लोएम फाइबर्स इज क्वाइट थिक एट मैच्योरिटी। दीज फाइबर्स लूज देयर प्रोटोप्लाज्म एंड बिकम डेड। फ्लोएम फाइबर्स ऑफ द जूट फ्लेक्स एंड हेम्स आर कॉमर्शली यूज्ड कॉमर्शली। द फर्स्ट फॉर्म्ड फ्लोएम को क्या बोलते हैं हम, प्रोटोफ्लोएम। जो बाद में बनता है उसे बोलते हैं मेटाफ्लोएम। अब आया टिश्यू सिस्टम की बात।
वी आर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ टिश्यूज बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ द सेल्स प्रेजेंट. लेट अस नाउ कंसीडर हाउ द टिश्यू वेरी डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन इन द बॉडी. द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वुड ऑल्सो भी डिपेंडेंट ऑन द लोकेशन. तो वो स्ट्रक्चर और फंक्शन किस पर डिपेंडेड है, उनकी लोकेशन पे. ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड लोकेशन देर आर थ्री टाइप्स ऑफ टिश्यूज. किस बेसिस पे स्ट्रक्चर और लोकेशन, यानी वो स्ट्रक्चर कैसे हैं और लोकेशन यानी वो कहाँ प्रेजेंट है, किस में डिवाइड है, तीन टाइप में, एपिडर्मल, ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम एंड द वैस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम. ठीक है, तो ग्राउंड को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर कंडक्टिंग हो गया, एपिडर्मल हो गया. एपिडर्मल की बात आई, द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी एंड कंप्राइज ऑफ द एपिडर्मल सेल, स्टोमेटा एंड एपिडर्मल appendages, the trichomes and the hairs. The epidermis is the outermost layer of the primary plant body. It is made up of elongated, compactly, sorry, हाँ जी, okay, ऐसे बनी होती है, elongated, compactly arranged cells which form continuous layer. Epidermis is also single layered. ठीक है, single layered होती है epidermis. Epidermal cells are parenchymatous with small amount of the cytoplasm. Epidermal cell में क्या होता है, small amount of cytoplasm होता है, lining the cell wall and large vacuole. The outside of the epidermis is often covered with a waxy thick layer called the cuticle, जिसका function क्या है, water के loss को prevent करना. Cuticle is absent in the roots, में cuticle नहीं होती. Stomata क्या करते हैं, प्रेजेंट कहाँ होते हैं, एपिडर्मिस ऑफ द लीफ पे. स्टोमेटा रेगुलेट्स दी ट्रांसपिरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज. ईच स्टोमा इज कंपोज्ड ऑफ टू बीन शेप सेल कॉल, क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स. ग्रासेस में जो गार्ड सेल होते हैं वो डंबल शेप होते हैं, क्योंकि मोनोकोट है ना ग्रासेस. ग्रासेस मोनोकोट्स में क्या होता है, डंबल शेप. द आउटर वॉल जो है गार्ड सेल की, वो कैसी होती हैं, थिन होती हैं, इनर होती हैं थिक. द गार्ड सेल जो हैं पोजेस करते हैं क्लोरोप्लास्ट को और रेगुलेट करते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को. तो अगर बैलेंस में आता है ना उसमें, समटाइम्स अ फ्यू एपिडर्मल सेल्स इन द विसिनिटी ऑफ द गार्ड सेल, यानी गार्ड सेल के साइड में जो सेल्स होती हैं, क्या होती हैं, कई बार स्पेशलाइज हो जाती हैं, किस में, शेप में और साइज में, और क्या बोलते हैं उन्हें, सब्सिडरी सेल्स. स्टोमेटा अपैरेचर में क्या होता है, गार्ड सेल्स आर सराउंडेड बाय सम सेल्स, इस पूरे को बोलते हैं स्टोमेटल अपैरेटस. ये हैं एपिडर्मल सेल्स, सब्सिडरी क्लोरोप्लास्ट, गार्ड सेल्स, स्टोमेटल अपैरेचर. अब आया, सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस बेयर अ नंबर ऑफ हेयर्स. रूट हेयर्स, अब ये याद रखना है, रूट हेयर्स जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं और हेल्प करते हैं वाटर और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में. वेरा जो स्टेम में होते हैं वो उन्हें बोलते हैं ट्राइकोम्स, वो मल्टी सेलुलर होते हैं. दे आर ब्रांच और अनब्रांच, सॉफ्ट और स्टिफ. दे मे इवन बी सिक्रेटरी. ट्राइकोम्स ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन. अब आया ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, अभी होने पड़ा एपिडर्मल, अब आया ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, जिसे हम और क्या बोलते हैं, फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, फंडामेंटल. ठीक है, ऑल द टिश्यू एक्सेप्ट द एपिडर्मिस एंड द वैस्कुलर बंडल्स कंस्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. इट कंसिस्ट्स ऑफ द सिंपल टिश्यू सच एज द पैरेन्काइमा, कोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा. पैरेन्काइमा जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं कॉर्टेक्स में, पेरिसाइकल, पिथ, मेडुलर रे, in between, in the primary stem and the roots. In the leaves, the ground tissue contains a thin walled chloroplast containing cell called the mesophyll. अब बात आई है vascular tissue system की, तीसरा tissue system है vascular. Vascular tissue system में उसमें क्या आता है, complex tissues, xylem और phloem. Xylem and the phloem together constitute the vascular bundles. In the dicotyledons, cambium जो है present होता है, किसके बीच में, फिलोएम और जाइलम की वजह से. इसीलिए क्योंकि वो कैम्बियम प्रेजेंट होता है, इसलिए वो सेकेंडरी डिवीजन कर सकते हैं, सेकेंडरी टिश्यू बना सकते हैं, इसलिए इन्हें ओपन वैस्कुलर बंडल्स बोलते हैं. पर जो मैनिक मोनोकोट्स हैं उनमें कैम्बियम नहीं होता, जिस वजह से उनमें सेकेंडरी टिश्यू नहीं बनता, इसलिए उन्हें क्लोज्ड बोलते हैं. वेन द जाइलम एंड फिलोएम विद वैस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन द अल्टरनेट मैनर, उन्हें बोलते हैं रेडियल. ऐसे देखो, अगर ऐसे अल्टरनेट है, जैसे ये जाइलम आ गया, फिलोएम, जाइलम, फिलोएम, इसे अल्टरनेटली है, इसे बोलते हैं रेडियल अरेंजमेंट. वेयर एज इन कंजॉइंट टाइप ऑफ द वैस्कुलर अरेंजमेंट द जाइलम एंड फिलोएम आर सिचुएटेड एट द सेम रेडियस ऑफ द वैस्कुलर बंडल्स. सच अ वैस्कुलर बंडल्स आर कॉमन इन द स्टेम एंड द लीव्स. देयर कंजॉइंट आर यूजुअली हैव फिलोएम लोकेटेड ओनली ऑन द आउटर साइड ऑफ द जाइलम. तो अब ये क्या है, ये कंजॉइंट है, बाहर की तरफ फिलोएम है, अंदर जाइलम है, बीच में कैम्बियम दिखा दिया, यानी कि ये है डाइकोट, यानी कि ओपन टाइप
और ये है मोनोकोट, इसलिए है क्लोज टाइप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनाटमी ऑफ द डायकोटिलेडॉन्स एंड द मोनोकोटिलेडॉन्स प्लांट। बेटर अंडरस्टैंडिंग टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूट स्टेम्स एंड द लीव्स, इट इज़ कन्वीनियंट टू स्टडी द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द मैच्योर ज़ोन्स ऑफ दीज ऑर्गन्स। अब हम अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है, सारे और जो डायकोट की रूट, मोनोकोट की रूट, डायकोट की स्टेम, मोनोकोट की स्टेम, डायकोट की लीफ, मोनोकोट की लीफ और फिर सेकेंडरी ग्रोथ, हम ये अलग अलग सब कुछ पढ़ने वाले हैं। पहले बताइए डायकोट की रूट की। अब लुक एट द फिगर 6.68, इट शोज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द सनफ्लावर रूट। ठीक है, पहले डायकोट रूट की बात करें द इंटरनल्स। अब ये देखो मेन क्या है, सबसे बाहर की लेयर क्या होती है, एपिडर्मिस। मैनी ऑफ द एपिडर्मिस जो है वो प्रोट्यूड इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर्स, यानी कि क्या बनाती है यूनिसेलुलर रूट हेयर्स, किसके, एपिडर्मिस की सेल्स। कॉर्टेक्स जो होता है प्रेजेंट इन सेवरल लेयर्स ऑफ द थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल विद द इंटरसेलुलर स्पेसेस। द इनरमोस्ट लेयर जो है कॉर्टेक्स की, वह एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस क्या होता है, इट कंप्राइज अ सिंगल लेयर बैरल शेप सेल विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। द टेंजेंशियल, अभी कैसे होते हैं, द टेंजेंशियल और रेडियल वॉल्स ऑफ द एंडोडर्मल सेल्स हैव डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परमेबल सब्सटेंस, वैक्सी सब्सटेंस, जिसका नाम है स्यूबरिन, जो कैस्पेरियन स्ट्रिप में होता है, जो क्या करता है किसी पार्टिकल का अपने थ्रू मूवमेंट नहीं होने देता। नेक्स्ट टू द एपिडर्मिस क्या होता है, एंडोडर्मिस के देखो सबसे ऊपर एपिडर्मिस, ठीक है, फिर आई कॉर्टेक्स, फिर क्या आई एंडोडर्मिस, फिर आई क्या पेरिसाइकल। तो अब क्या बोल रहे हैं, एंडोडर्मिस के बाद फ्यू लेयर और द फ्यू लेयर्स ऑफ थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल पेरिसाइकल प्रेजेंट होती हैं। इनिशिएशन ऑफ द लेटरल रूट्स जो हैं सेकेंडरी ग्रोथ बेसिकली पेरिसाइकल से ही होती है। द पिथ इज स्मॉल और इनकॉन्स्पिकुअस, यानी डाइकोट जो रूट है उसमें पिथ क्या है, इनकॉन्स्पिकुअस, यानी कि बहुत ही गैरमामूली सा है। ठीक है, द पैरेन्काइमा सेल्स लाई बिटवीन, जो कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में होते हैं पैरेन्काइमा सेल, उन्हें बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू। दे यूजुअली कितने होते हैं, देयर आर यूजुअली 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस। लेटर अ कैम्बियम रिम डिवेल्प्स बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम, ऑल द टिश्यूज आर इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस सच एज द। अब स्टील क्या होता है, स्टील होते हैं एंडोडर्मिस के अंदर वाले सारे टिश्यू, कौन कौन से आते हैं, पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल्स और पिथ, स्टील में आते हैं ये। उसके बाद आया मोनोकोट रूट। मोनोकोट रूट क्या है, एनाटॉमी और मोनोकोट रूट जो है में फ़र्क क्या है, पहली बात तो वही सबसे बाहर एंड एपिडर्मिस कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल, पिथ। अब इसमें फ़र्क क्या है, इसमें जो है डायकोट में फ्यूर वैस्कुलर बंडल्स होता है पर इसमें ज़्यादा होते हैं, उसमें तो होते से 2 to 4, इसमें कितने होते हैं, यूजली मोर देन 6, इसलिए पॉलीआर कंडीशन बोलते हैं इसको। पिथ जो है इसका लार्ज है और वेल डेवलप्ड है। ठीक है, एक चीज़ याद रखनी है, पिथ मोनोकोट रूट में वेल डेवलप्ड होता है और डायकोट स्टेम में। मोनोकोट रूट्स डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ, क्योंकि मोनोकोट है ना, इसमें कैम्बियम नहीं है, सेकेंडरी ग्रोथ क्या होगा, वे दिखा रखा है उन्होंने डायकोट रूट का। यह रूट है एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल। पेरिसाइकल क्या है, देखो ये है क्या, इनके बीच की सेल्स दिखा रखे हैं पेरिसाइकल की। ठीक है, अब ये दिखा रखा है फ्लोएम, दिखा रहा है जाइलम, सॉरी पिथ दिखा रखा है, फिर क्या दिखा रखा है इन्होंने, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। तो देखो इसमें एंडार्क एक्सार्क कंडीशन है, क्योंकि प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने दिखा रखा है इसके बाद मोनोकोट के इसका। अब देखो इसमें 4 हैं, ये बंडल्स जो हैं 4 हैं, पर इसमें पॉलीआर्क साइज में यानी कि ज़्यादा हैं, 6 or more। ठीक है, रूट हेयर, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फ्लोएम, प्रोटोजाइलम, पिथ, मेटाजाइलम। अब आई किसकी बात, डायकोट स्टेम की। द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द टिपिकल यंग डायकोटिलेडोनस स्टेम शोज एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, होगी वही सेम एपिडर्मिस सबसे बाहर होती है, कवर्ड विद थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल, इट मे बी अर ट्राइक्रोम्स होते हैं ना स्टेम पे, एंड अ फ्यू स्टोमेटा। द सेल्स अरेंज इन द मल्टीपल लेयर बिटवीन द एपिडर्मिस एंड द पेरिसाइकल, इट कंसिस्ट ऑफ 3 जोन्स होती हैं, किसके बीच में, एपिडर्मिस और पेरिसाइकल के बीच में। सबसे बाहर होती है हाइपोडर्मिस, जो कोलेनकाइमेटस सेल से बनी होती है, जस्ट बिलो एपिडर्मिस होती है जो कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। ठीक है, उसके बाद एक कॉर्टिकल सेल जो क्या हाइपोडर्मिस के नीचे होती है, कॉर्टिकल,
इसका फंक्शन क्या है, कंसिस्ट ऑफ राउंडेड थिन वॉल पेरिकाइमेटस सेल विच आर इन कॉन्स्पिकुअस इंटरसेलुलर कॉन्स्पिकुअस इंटरसेलुलर स्पेसेस द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स जो है वो है एंडोडर्मिस। द लेयर ऑफ द एंडोडर्मिस जो है रिच इन द स्टार्च ग्रेन्स एंड अ लेयर इज ऑल्सो रेफर टू स्टार्च शीट। ठीक है, एंडोडर्मिस के लोगों को बोलते हैं स्टार्च शीट। उसके बाद है पेरिसाइकल। पेरिसाइकल क्या होता है, प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस अबव द फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ द सेमी लूनर पैचेस ऑफ द स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, तो पेरिसाइकल किससे है, स्क्लेरेन्काइमा से बनेंगे। कैसे, सेमी लूनर पैचेस की फॉर्म में। इन बिटवीन द वैस्कुलर बंडल्स देयर आर फ्यू लेयर्स ऑफ द रेडियली प्लेस्ड पेरिकाइमेटस सेल्स विच कॉन्स्टिट्यूट द मेडुलरी रेज। अ लार्ज नंबर ऑफ द वैस्कुलर बंडल्स जो हैं वो क्या करते हैं, अरेंज इन अ रिंग। द रिंग अरेंजमेंट ऑफ द वैस्कुलर बंडल्स इन द करेक्टरिस्टिक ऑफ द डाइकोट स्टेम। ईच वैस्कुलर बंडल इज कंजॉइंट ओपन विद एंटायर प्रोटोसाइलम। लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पेरिकाइमेटस सेल्स विद लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं विच ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजिशन कॉल्ड द पिथ। फिर आए मोनोकोट स्टेम की बात। मोनोकोट स्टेम क्या होती है, स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस होती है इसकी। पर क्या इसमें थी कोरेन्काइमेटस स्क्लेरन, देखो इसमें जो है डाइकोट स्टेम में क्लोरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस है, वेरस जो कि हम बात करें मोनोकोट स्टेम में स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस है। अ लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स ईच सराउंडेड बाय स्क्लेरेन्काइमेटस बंडल शीट। अ लार्ज कॉन्स्पिकुअस पेरिकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू। वैस्कुलर बंडल्स आर कंजॉइंट क्लोज पेरिफेरल। यही बता रखा है यार, डायग्राम देख लो, ये दिखा रखा है इन्होंने किसका, डायकोट का। डायकोट में एपिडर्मल हेयर है, ये दिखा रखे हैं एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस पेरिकाइमा एंडो का एंडोडर्मिस पेरिसाइकल वैस्कुलर बंडल्स दिखा रखे हैं मेडुलरी रे दिखा रखे हैं पिथ। देखो इसमें भी यही दिखा रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डाइकोट लीफ की बात आई, अब किसकी बात आई, डाइकोट लीफ की। उसके बाद द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द डाइकोट लीफ थ्रू द लेमिना शो द थ्री मेजर पार्ट्स होते हैं डाइकोट लीफ में। ठीक है, क्या क्या हैं, एपिडर्मिस मीजोफिल और वैस्कुलर सिस्टम। एपिडर्मिस जो है कवर्स बोथ द अपर सर्फेस यानी एडेक्सियल और लोअर सर्फेस यानी एबैक्सियल ऑफ द लीफ हैव अ कॉन्स्पिकुअस क्यूटिकल। कॉन्स्पिकुअस यानी दिखने वाला, जो ईजिली दिख जाए, क्यूटिकल। द एबैक्सियल एंड एपिडर्मिस यानी नीचे वाली बियर्स मोर स्टोमेटा देन कम्पेयर टू द एडेक्सियल यानी ऊपर वाली। द लेटर में इवन लैक स्टोमेटा। द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड द मीजोफिल। द मीजोफिल विच पोजेस द क्लोरोप्लास्ट कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस इज मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा। टू टाइप की सेल्स होती हैं, पेरिसाइट पेरेन्काइमा स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। द एडेक्सियल जो ऊपर की तरफ होती है पेरिसाइट, नीचे होती है स्पॉन्जी। वर्टिकली अरेंज्ड हैं पैरेलल टू द ईच अदर। ओवल एंड राउंडेड स्पॉन्जी लेयर होती है, लूजली अरेंज्ड होती है। सिचुएटेड बिलो द पेरिसाइट लेयर एक्सटेंड्स टू द लोअर एपिडर्मिस। न्यूमरस लार्ज स्पेसेस हैं एयर कैविटीज और बिटवीन द सेल्स। वैस्कुलर सिस्टम जो है वो क्या, वैस्कुलर बंडल्स आते हैं उसमें विच कैन बी सीन इन द वेन्स इन द मिडरिब्स। द साइज ऑफ द वैस्कुलर बंडल्स आर डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ द वेन्स। द वेन्स वेरी इन द थिकनेस इन रेटिकुलेट वेनेशन इन द डाइकोट। और द वैस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ द थिक वॉल्ड बंडल शीट सेल। लुक एट द फिगर, ये बोल रहे हैं यही। चलो आगे बढ़ो। अब आई क्या, आइसोबाइलेटरी मोनोकोट लीफ। एनाटमी ऑफ आइसोबाइलेटरल लीफ इज सिमिलर टू दैट ऑफ द डोर्सोवेन। यानी कि एनाटमी तो मोनोकोट डाइकोट लीफ की दोनों की सेम है। इट शोज फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स डिफरेंसेस। इन अ आइसोबाइलेटरल लीफ द स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एपिडर्मिस, वेयर जो मीजोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पेरिसाइट एंड स्पोरेन्काइमा एंड द स्पॉन्जी सेल। ग्रासेस में सर्टेन एडैक्सियल एपिडर्मल सेल्स अलोंग द वेन्स मॉडिफाई देमसेल्व्स इंटू लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स बलीफॉर्म सेल्स। फंक्शन क्या है इनका, हैव अब्जॉर्ब जो करती हैं वाटर को और टारगेट बनाती हैं जिससे लीफ को के सरफेस को एक्सपोज करती हैं। वैन फ्लैसिड होती हैं ड्यू टू द वाटर स्ट्रेस दे कर्ल हो जाते हैं लीफ और वापस नीचे जाते हैं जिससे वाटर लॉस कम होता है। द पैलर वेनेशन इन द मोनोकोट इज रिफ्लेक्टेड इन द नियर सिमिलर साइज ऑफ द वैस्कुलर बंडल्स एक्सेप्ट इन द मेन वेन्स एज द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द लीव्स। अब ये दिखा रखा है देखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी ग्रोथ पे। अब सेकेंडरी ग्रोथ होती है किसमें, यार डाइकोट में होती है क्योंकि उसमें कैम्बियम प्रेजेंट होता है। ग्रोथ इन द रूट्स इन द स्टेम्स इन द लेंथ इन इन
सॉरी विद द हेल्प ऑफ द एपिकल मेरिस्टम को बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ, पर अपार्ट फ्रॉम द प्राइमरी ग्रोथ सम डायकोट्स में गिर्थ में यानी चौड़ाई में भी इंक्रीज होता है, उसे बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। द टिश्यू जो हैं सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं कौन है, टू लेटरल मेरिस्टम्स हैं, कौन से, वैस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम। पहले बात करते हैं वैस्कुलर कैम्बियम की। द मेरिस्टमेटिक लेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग ऑफ द वैस्कुलर टिश्यू दैट इज आइलम एंड फिलोएम इज कॉल्ड द वैस्कुलर कैम्बियम। द यंग स्टेम इट इज प्रेजेंट एज पैचेज एज द सिंगल लेयर बिटवीन द जाइलम एंड फिलोएम, लेटर फॉर्म्स द कंप्लीट रिंग। तो पहले बात आई कैम्बियल रिंग कैसे बनती है। इन डायकोट स्टेम द सेल्स ऑफ द कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन द जाइलम एंड फिलोएम इज कॉल्ड द इंट्रा वेसिकुलर कैम्बियम। द सेल्स ऑफ द मेडुलरी सेल्स जॉइनिंग दिस इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बिकम मेरिस्टमैटिक एंड फॉर्म इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, द कंटिन्यूस रिंग बन जाती है किसकी फॉर्मेशन की वजह से, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम की वजह से। एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग, द कैम्बियल रिंग बिकम एक्टिव एंड बिगिन टू कट ऑफ द सेल बोथ टूवर्ड्स द इनर एंड द आउटर साइड सेल। ठीक है, जो इनर साइड को करती है कट, किसको, जाइलम, सेकेंडरी जाइलम बनाती है, तो प्राइमरी जाइलम को कट ऑफ कर देती है, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है। द कैम्बियम इज जनरली मोर एक्टिव टूवर्ड्स द इनर साइड दैन द आउटर साइड। ठीक है, एज द रिजल्ट जो इनर जिस अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम है वो ज़्यादा बनता है इस वजह से। ठीक है, एज कम्पेयर टू दी सेकेंडरी फ्लोएम एज सून एंड सून फॉर्म अ कम्पैक्ट मास। ठीक है, द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी फ्लोएम गेट gradually crushed and due to the continued formation and accumulation of the secondary xylem, the primary xylem hence remains more or less intact in form of in or around the center. So at some places the cambium form a narrow band of the parent chyma which passes through the secondary xylem and secondary phloem in the radial direction, the secondary medullary rays. ये दिखा रखा है इन्होंने secondary growth. आ गया है स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड, दो टाइप की वुड्स होती हैं। द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द मैनी फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, क्लाइमेटिक चेंज उस पर इम्पैक्ट लेता है। स्प्रिंग सीजन में कैम्बियम की ग्रोथ क्या होती है, एक्टिव होती है और प्रोड्यूस करती है जाइलम वेसल्स, जाइलम एलिमेंट्स को वाइडर कैविटीज़ के साथ। इसलिए जो स्प्रिंग वुड है वो क्या होती है, अर्ली वुड बोलते हैं इसे, और इस वजह से एक इसमें क्या होती है, डेंसिटी जो होती है इसकी कम होती है और ये लाइट कलर की होती है। और जो ऑटम वुड या लेट वुड है जो कि विंटर्स में बनती है, कैम्बियम इसमें लेस एक्टिव होता है, इस वजह से जो नैरो वेसल्स बनती हैं जिस वजह से इसका कलर डार्कर और हाई डेंसिटी होती है। द टू टाइप ऑफ क्योंकि अरेंजमेंट होता है इस वजह से हम एनुअल रिंग्स को काउंट करके उनकी एज निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हर्टवुड और सैपवुड, ओल्डर ट्रीज में ग्रेटर पार्ट ऑफ जाइलम सेकेंडरी जाइलम होता है वो डार्क होता है, डार्क ब्राउन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे टैनिन, रेजिन, ऑयल, गम्स, एरोमेटिक सब्सटेंसेस, एसेंशियल ऑयल इन द सेंट्रल और द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द सेल्स। दीज सब्सटेंसेस मेक इट हार्ड, ड्यूरेबल एंड रेजिस्टेंट टू द अटैक ऑफ द माइक्रोबियल एक्टिविटी इन इंसेक्ट। द रीजन जहाँ पे डेड एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं विद हाईली लिग्निफाइड वॉल को बोलते हैं हर्ट वुड, जो कि कंडक्ट नहीं करती है वाटर को क्योंकि इसमें जो कंडक्टिंग चैनल्स नहीं प्रेजेंट होते। पेरिफेरल पार्ट जो है उसे बोलते हैं, जिसका कलर लाइट होता है उसे बोलते हैं सैपवुड। इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती इसकी और इसमें कंडक्शन होता है वाटर का और मिनरल्स का। अब आई कोर कैम्बियम, एज द स्टेम कंटिन्यूज टू ग्रो इन द गिर्थ ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द वैस्कुलर कैम्बियम, द आउटर कॉर्टिकल एपिडर्मल सेल्स गेट ब्रोकन एंड नीड टू बी रिप्लेस टू न्यू प्रोटेक्टिव सेल्स लेयर्स, एंड सूनर और लेटर अनदर मेरिस्टमैटिक टिश्यू कॉल्ड द कोर कैम्बियम और द फेलोजन डेवलप होता है, जो कि क्या करता है, फेलोजन की कौन सी कपल ऑफ लेयर्स का होता है लंबा और क्या करता है, बाहर की तरफ क्या दोनों तरफ से कट करता है, बाहर भी बनाता है और अंदर की तरफ भी। बाहर की तरफ बनाता है कोर या फिर इसका नाम फेलम है, और अंदर की तरफ बनाता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, देखो और अंदर की तरफ बनाता है क्या, फेलोडम या सेकेंडरी कॉर्टेक्स। जो कॉर्क है, कॉर्क जो बाहर की तरफ बनी है वो उसमें सीब्रेन की डिपोजिशन हो जाता है जिस वजह से वो वाटर को इम्परमेबल हो जाता है। फेलोजन अभी तीन लेयर थी, फेलोजन क्या वो खुद कॉर्टेक्स और फेलम जो बाहर कॉर्क है और फेलोडर्म जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाया है, वो तीनों मिलके पेरिडर्म बनाते हैं। कोर कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से प्रेशर बिल्ड्स अप इन द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द पेरिफेरल, बाहर वाली टिश्यूज़ को प्रॉपर पानी नहीं मिल पाता इसलिए वो मर जाती हैं, डाइन स्लोथ ऑफ। बार्क इज अ नॉन टेक्निकल टर्म दैट रेफर्स टू ऑल द टिश्यूज एक्सटर्नल टू द वैस्कुलर कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम के
बाहर की तरफ सारे टिश्यू को क्या बोलते हैं, कॉर्क। देयरफॉर इसमें क्या आ गया, सेकेंडरी फ्लोएम आ गया, ठीक है। बार्क जो है रेफर टू अ नंबर ऑफ द टिश्यू टाइप्स विच इज़ पेरिडर्म एंड सेकेंडरी फ्लोएम। बार्क जो है इज़ फॉर्म्ड अर्ली इन द सीजन इज़ कॉल्ड द अर्ली ऑफ द सॉफ्ट बार्क, बाद में बनती है तो उसे लेट या हार्ड बार्क बोलते हैं। उसके बाद आई एट सर्टन रीजन्स द फेलोजन जो है कट ऑफ क्लोजली अरेंज पेरेंट कमेटेड सेल्स ऑन द आउटर साइड इंस्टेड ऑफ कोर सेल। तो ये क्या करते हैं, वो रपच्चर कर देता है वहाँ से एपिडर्मिस की लेयर को और लेंस लाइक ओपनिंग बन जाती है, जिन्हें बोलते हैं लेंसलेट। लेंटी सेल्स का मेन फंक्शन क्या है कि गैसेज एक्सचेंज को करते हैं, मोस्टली वुडी ट्रीज में। सेकेंडरी ग्रोथ रूट की बात है, ये बोल रहे हैं वैस्कुलर कैम्बियम जो है इस कम्प्लीटली सेकेंडरी ओरिजिन। तो वैस्कुलर कैम्बियम जो है कम्प्लीटली सेकेंडरी ओरिजिन में, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द टिश्यू लोकेटेड जस्ट बिलो द फ्लोएम एंड द फ्लोएम बंडल्स, अ पोर्शन ऑफ द पेरिसाइकल अबव द प्रोटोजाइलम फॉर्मिंग अ कम्प्लीट और कंटिन्यूस बेबी रिंग जो है बिकम सर्कुलर। फर्दर इवेंट्स और सिमिलर टू दीज दोज ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड अबव द डाइकोटिलेडन स्टेम। अभी इधर दिखा रखी है इन्होंने सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स। सेकेंडरी ग्रोथ ऑल्सो ओकर इन द स्टेम एंड रूट्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म एंड सेकेंडरी ग्रोथ डज नॉट ओकर इन मोनोकोट्स।